तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका दोस्त आ गया मनीष कुमार एक और नई वीडियो के साथ। तो भाई जैसे कि मैं बता देता हूँ, तुम्हारा भाई लेके आया तुम्हारे लिए एक बेस्ट एप्लीकेशन जिसे देखकर आप बोलोगे। तो भाई देखो मैं बता देता हूँ, पहले सबसे बड़ी बात तो यह भाई स्किप मत करना मेरी वीडियो पहले पूरी देखो, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा उसमें आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। तो भाई वीडियो को पहले पूरी देखो, स्किप मत करना। मैं उस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताऊँगा, खतरनाक ऐप है वो भाई। जिस भाई ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी तो भाई लाइक कर दो, ताकि मेरे को पता है वीडियो अच्छी होने वाली है। ठीक है, इस बार तो बहुत ही अच्छी वीडियो होगी। तो भाई मैं बता देता हूँ पहले उस एप्लीकेशन के बारे में, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे यूज होता है। ठीक है भाई, तो देखो भाई क्या होता है कि जैसे कि हम अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं और हम रात भर चार्जिंग पे लगा के छोड़ देते हैं और हमारा बैटरी जो है 100% से ऊपर तक चार्ज होने लग जाता है। हम तक ही सो जाते हैं, हमें तो पता नहीं चलता नहीं है कि भाई 100% हुआ है या 90% हुआ है। तो हम भाई उस एप्लीकेशन के थ्रू अपने फ़ोन में एक अलार्म लगा सकते हैं। मजाक है क्या? है ना भाई, खतरनाक ऐप। अलार्म लगा सकते हैं और हमारा फ़ोन चोरी हो जाता है, या फिर चोरी का मतलब कोई आता है और दूसरा बंदा उस फ़ोन को उठा के ले जाने की कोशिश करता है, तो एक अलार्म बजेगा जो आप ही मतलब उस अलार्म को रोक सकते हो, वो बंदा नहीं रोक सकता, चाहे वो फ़ोन अपना स्विच ऑफ क्यों ना कर दे, वो अलार्म बजता रहेगा। स्विच ऑफ, अब आप बोल रहे हो स्विच ऑफ यार अलार्म कैसे बजेगा भाई। स्विच ऑफ करते हैं तो एक पिन नंबर मांगता है, जो कि जो पिन नंबर वाली जो वीडियो है ना, तो स्विच ऑफ करते हैं हम फ़ोन को और एक पिन नंबर मांगता है। तो भाई मैं उस ट्रिक के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा, अभी फ़िलहाल जो मैं बता रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से सुनो, ठीक है, और ध्यान से देखना जो मैं दिखाऊंगा। तो भाई चलो फिर देरी किस बात के, ज़्यादा लंबी बात नहीं करते, तो चलो मैं एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ, फिर उस एप्लीकेशन में मैं आपको बताऊँगा कि एप्लीकेशन किस किस चीज़ में यूज है, वो उस एप्लीकेशन का किस तरीके से यूज करें। तो चलो भाई हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पर, अब मैं बता देता हूँ उस एप्लीकेशन के बारे में। देखो वो एप्लीकेशन है ये डोंट टच माय फ़ोन, आप इसको, ये है डोंट टच माय फ़ोन। ठीक है दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है डोंट टच माय फ़ोन, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। तो देखो हमें ये एक एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करनी है और कैसे यूज होती है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। हमें सिंपल करना क्या है, हमें सिंपल आ जाना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर मेरा कहाँ पर है मैं थोड़ा ढूंढ लेता हूँ, ये रहा प्ले स्टोर, और यहाँ पर हमें सर्च करना है। देखो मैंने पहले से ही लिख रखा है डोंट टच माय फ़ोन आपको लिख देना है, और ये मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। तो ये ओपन करने के बाद हमें ऐसा एक ऐड आती है, अगर आप नेट से यूज कर रहे हो उसको, मतलब नेट आपका ऑन है तो ऐड आती रहेगी, नहीं तो इसमें ऐड नहीं आती है वैसे। ठीक है, हमें सिंपल ये देखो स्टार्ट का ऑप्शन लिखा आ रहा है, ये स्टार्ट का ऑप्शन लिखा आ रहा है, यहाँ पर हमें सिंपल करना क्या है, हमें यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आप देखो नीचे कस्टम अलार्म पिन कोड चार्जिंग अलार्म सेटिंग चार्जिंग अलार्म, ये रहा चार्जिंग अलार्म। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने बताया था आपको फुल चार्ज होने पे अलार्म बज जाएगा, आप बेफिक्र होके 100% कर सकते हो बैटरी चार्ज, आपकी बैटरी ख़राब नहीं होगी। तो पहले सबसे पहले दोस्तों हम आ जाते हैं पिन कोड पे, हम पिन कोड पे यहाँ पे अपना कोई भी पिन डाल लेंगे, मैं अपना ये पिन डाल लेता हूँ, ये बिना नेट के भी यूज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि नेट से आप यूज होगा ये आपका एप्लीकेशन। ऐड आती है, मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है, अब जैसे ही दोस्तों इसको कोई छुएगा, जैसे मैंने रख दिया और जैसे ही इसको दोस्तों किसी ने छुआ ना, तो एक अलार्म बजने लग जाएगा। अभी दिखाता हूँ अलार्म कैसे बज रहा है, लास्ट में देखना अलार्म कैसे बजेगा। तो छुएगा, ये हमने बंद कर दिया है, ठीक है ना दोस्तों, ये देखो अब ऐड आ गई है। अभी मैं आपको बता दूँ बेस्ट और एप्लीकेशन है ये, बेस्ट मतलब बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है ये, ऐड बहुत आ रही है यार। आप डाटा ऑफ करके भी आप कर सकते हो उसको, मैं वो डाटा ऑफ नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, हमें सिंपल करना क्या है, चार्जिंग पे जाते हैं, यहाँ पर जो चार्जिंग लिखा हुआ है चार्जिंग अलार्म, हम उस पर क्लिक करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा फ़ोन चार्ज नहीं, चार्जिंग पॉइंट आप लगाओगे ना तो तब आपको सेलेक्ट करना है, अभी हमने चार्जिंग नहीं लगा रखी अपने फ़ोन में। ठीक है दोस्तों, चार्जिंग पॉइंट पे आप लगाओगे तब ये यूज होगा, उससे पहले यूज नहीं होगा। ये कस्टम अलार्म पे आ जाते हैं,
कस्टम अलार्म पे आने के बाद आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो अलार्म वगैरह काफ़ी है यहाँ पे। ये यहाँ पे अलार्म बहुत है, मैं चूज़ नहीं करूँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। बाकी सेटिंग में जाओ, यहाँ पर जो सेटिंग है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और। ये सेटिंग पे जाके आप सेटिंग में जाके अपने हिसाब से ये बार बार, दोस्तों ये फालतू की एप्लीकेशन डाउनलोड मत करना, ये ऐसा कुछ नहीं है जैसे इसमें दिखा रहे हैं, ठीक है। जिसके फ़ोन में फिंगर है वो फिंगरप्रिंट वाला लगा सकता है लोग, चार्जिंग डिस्कनेक्ट अलार्म, ठीक है। सेटअप पिन, ये सब, ये अलार्म वगैरह हो गए, वाइब्रेट, ठीक है, हर मतलब ऑन कर दो अपने हिसाब से, देख लो जो आपको करना है। अभी मैंने चार्जिंग पे नहीं लगा रखा ना, इसलिए चार्जिंग का सो नहीं करेगा। आप चार्जिंग पे ला के छोड़ दो, बेफिक्र होके आप मोबाइल चार्ज करो, बेफिक्र होके, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो फिर दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो लाइक कर दो, मैंने पहले भी बोला था अभी भी बोल रहा हूँ, वीडियो लाइक कर दो। और जो भाई मेरे चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और भी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।